दोस्तों रेडमी बहुत ही जल्द अपने बजट कैटेगरी का 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जो कि होने वाला है रेडमी नोट 9 प्रो, जिसकी लीक्स और रूमर्स अभी से ही सामने आने लगी है। तो दोस्तों इसका रीज़न यह है कि रेडमी हर साल अपने नोट सीरीज का 2 स्मार्टफोन लॉन्च करती है। दिस ईयर रेडमी ने अपने रेडमी नोट 7 सीरीज और रेडमी नोट 8 सीरीज को लॉन्च करा था, जहाँ पर आपको रेडमी नोट 7 सीरीज में 48 मेगापिक्सल के कैमरा का ट्रेंड देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों रेडमी नोट 8 सीरीज में हमें 64 मेगापिक्सल के कैमरा का ट्रेंड देखने को मिला है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए ये लीक्स निकल के सामने आ रही है कि Redmi Note 9 सीरीज में हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ ही ये स्मार्टफोन आने वाला है 5G के कनेक्टिविटी के साथ, जो कि सपोर्ट करेगा स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर। और उसके साथ ही दोस्तों इस बार आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है रेडमी की तरफ से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है रेडमी नोट 9 प्रो सीरीज में, और क्या होने वाला इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च करा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से। तो दोस्तों रेडमी नोट 9 सीरीज में हमें ग्लास बैक का डिजाइन रेडमी नोट 8 सीरीज के जैसा ही देखने को मिलने वाला है, जो कि कुछ खास इंप्रूवमेंट के साथ हमें देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 8 और Redmi Note 7 सीरीज में हमें Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिला था। तो दोस्तों इस बार हमें ग्लास में इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस बार हमें देखने को मिलने वाला है Redmi की तरफ से 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों इस बार आपको IPS डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला है Redmi Note 8 और Redmi Note 7 सीरीज के जैसा, यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है अगर Redmi को कम्पीट करना है Realme के साथ, क्योंकि दोस्तों Realme अब बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन में भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने लगा है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए हम कंफर्म कह सकते हैं कि आपको Redmi Note 9 सीरीज में एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों फ्रंट साइड में ही आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों सेल्फी की बात की जाए, तो दोस्तों Redmi Note 7 और Redmi Note 8 सीरीज में हमें एक नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिला था। तो दोस्तों इस बार हमें सेल्फी में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है Redmi Note 9 Pro सीरीज में, जो कि आने वाला है 25 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों Redmi Note 9 सीरीज में हमें देखने को मिलने वाला है 5G के कनेक्टिविटी वाला प्रोसेसर, जो कि होने वाला है स्नैपड्रैगन 735 का प्रोसेसर, जो कि अभी ऑफिशियली कंफर्म किया गया है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और दोस्तों यह प्रोसेसर मिड रेंज के फोन्स के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन के 735 का प्रोसेसर ही देखने को मिलने वाला है। एंड वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में इस बार बैटरी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है 13W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, जैसा कि Realme अपने Realme XT Pro को दिसंबर के महीने में लाने वाली है, जिसमें कि हमें 30W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए Redmi भी पीछे नहीं रहने वाली है, वो भी अपने फ़ोन में काफ़ी इंप्रूवमेंट करेगी हमेशा के जैसे ही, और इस बार बहुत ही बड़ा धमाका करने वाली है। और उसके साथ ही दोस्तों बात की स्मार्टफोन की रियर साइड के कैमरे की, जो कि इस बार मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है Redmi Note 9 Pro में, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जहाँ प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल सैमसंग का होने वाला है। वहीं दोस्तों स्मार्टफोन में सेकेंडरी 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि Redmi Note सीरीज का प्राइसिंग अंडर 15,000 रुपीज रहता है, तो दोस्तों इस बार भी Redmi Note 9 Pro का प्राइसिंग आपको 14,000 से 15,000 रुपये के करीबन रहने वाला बेस वेरिएंट का, जो कि होने वाला है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। एंड बात करें दोस्तों फाइनली रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को 2020 के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडिया में लॉन्च करा जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कन्फर्म लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट।